हेलो गाइस, तो आज हमारा यहाँ पे इंट्रोड्यूसिंग हो रहा है नेपाली का गुन्द्रुक। तो ये हमारा नेपाली कम्युनिटी में सबका फेवरेट है। तो इसको बनाया जाता है फूलगोभी का पत्ता से, अच्छा अच्छा पत्ता से लेकर के इसको धुलाया जाता है। धुला के सुखा कर कूट कर इस डब्बा में 10 से 15 दिन रखा जाता है। तो देखिए 10 15 दिन का बाद इतना अच्छा से पीला कलर हो चुका है। तो ये रेडी है अभी खाने के लिए। तो देखिए पीला कलर का होते ही ये बहुत अच्छा होता है खाने के लिए। इसका टेस्ट थोड़ा खट्टा होता है, तो इसको हम लोग बनाएंगे अचार। तो अचार बनाने के लिए हम लेंगे हरी मिर्च, अदरक और लहसुन। तो इसको हम बनाएंगे पेस्ट। तो यहाँ पे पेस्ट बन चुका है। तो पेस्ट बना हुआ ये डालेंगे, तो नमक भी डालेंगे स्वाद अनुसार। तो नमक डालते ही इसका स्वाद बहुत ही टेस्टी हो जाता है। तो इससे हम लोग और टेस्ट बनाने के लिए इसमें हम लोग और ऐड करेंगे सरसों का तेल। तो यहाँ पे हम लोग डाल रहे हैं सरसों का तेल। तो ये सरसों का तेल डालते ही इसका स्वाद और भी ज़्यादा खाने में अच्छा हो जाता है। तो यहाँ पे इसको हम लोग मिक्स करेंगे। तो स्वाद के लिए डालेंगे धनिया का पत्ता बारीकी से छोटा छोटा काटा हुआ। तो देखिए यहाँ पे हम लोग डाल चुके हैं धनिया का पत्ता। तो ये अभी रेडी हो चुका है खाने के लिए। तो इसको हम लोग और अच्छा से मिक्स अप करेंगे, मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे मिक्स हो चुका है, देखिए कितना अच्छा से बन चुका है। तो मेरा मुंह में तो पानी निकल चुका है। तो इसको हम लोग और ज़्यादा दिन खाने के लिए डालेंगे जार पे। तो यहाँ पे रेडी हो चुका है खाने के लिए।